दोस्तों मिर्चा हो या फिर टमाटर, शिमला मिर्च या फिर लौकी, करेला, जो भी खेती कर रहे हैं तो खेती करने के लिए खाद का ज़रूरत पड़ता ही है, जैसे कि यूरिया, डीएपी या फिर एनपीके। तो दोस्तों काफ़ी सारे किसानों का मन में ये रहता है कि इसके साथ क्या ना हम लोग जाइम मिला सकते हैं, या फिर जाइम को हम अगर मिलाएंगे तो किस टाइप का जाइम मिलाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि जाइम अगर आप लोगों को मिलाना है तो जैसे कि हम यहाँ पर लेके आए हैं धनजाइम जी, जो कि धनुका कंपनी मार्केटिंग कर रहा है। तो दोस्तों धनजाइम जी एक काफ़ी अच्छा जाइम माना जाता है, और इसको आप लोग आराम से मिर्ची या टमाटर, बैंगन, जो भी फसल लगाते हैं उसमें आप लोग यूज कर सकते हैं। इसको अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आज हम बात करेंगे पूरे डिटेल्स में धनजाइम जी के बारे में। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं धनजाइम जी क्या है। तो धनजाइम जी एक खाद होता है, जो कि यूरिया या फिर एनपीके या फिर पोटास, जो भी खाद आप लोग डालते हैं जिस टाइम पे, तो उसके साथ आप लोग इसको पर एकड़ 10 केजी के हिसाब से मिला सकते हैं। तो दोस्तों धनजाइम जी एक ऐसा खाद है जो कि इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और सीवीड एक्सट्रैक्ट हमने काफ़ी सारे वीडियो में बोल चुका है कि सीवीड एक्सट्रैक्ट कैसा रिजल्ट देता है। और दोस्तों इसका रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, जो कि सामुद्रिक शैवाल से ये बना हुआ रहता है ये खाद। और दोस्तों इसको अगर आप लोग खेती में डालते हैं, जैसे कि पर एकड़ के हिसाब से अगर आप लोग 10 केजी डालते हैं यूरिया या फिर डीएपी के साथ, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात आती है धनजाइम जी को हम लोग अगर किसी फसल में डालते हैं यूरिया या फिर डीएपी के साथ मिला के, तो बेनिफिट क्या मिलता है, यानी क्या क्या फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों धनजाइम जी एक ऐसा खाद है जो कि सामुद्रिक शैवाल से बना हुआ है, इस कारण से ये रूट को डेवलपमेंट करने में काफ़ी मदद करता है, यानी पौधे का जो जड़ होता है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकास करता है, जिसके साथ साथ पौधा ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाता है। तो दोस्तों जड़ का विकास जैसे ही करता है तो पौधा तो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, तो पौधा जैसे अच्छी तरीके से ग्रो करेगा तो फूल भी ज़्यादा आएगा, और फूल अगर ज़्यादा आएगा तो ऑटोमेटिकली फल भी ज़्यादा आएगा, जिस कारण से किसान को काफ़ी अच्छा ज़्यादा मुनाफा मिल जाता है। उसके अलावा धनजाइम जी का और एक खास बात ये रहता है कि जैसे कि पौधे में अगर धनजाइम जी को डाल रहे हैं तो रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करता है ये धनजाइम जी, इसीलिए धनजाइम जी पौधे के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। अब दोस्तों बात आती है धनजाइम जी को हम लोग कब और कितने मात्रा में डाल सकते हैं। तो दोस्तों धनजाइम जी को आप लोग यूरिया या फिर डीएपी या फिर एनपीके के साथ आराम से 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से मिला करके डाल सकते हैं किसी भी टाइम पर। जैसे कि अगर पौधे में आप लोग सेकेंड टाइम पर जब निराई गुड़ाई करते हैं तो उस टाइम पर भी डाल सकते हैं, और उसके साथ साथ दूसरे टाइम पे भी अगर आप लोग डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों धनजाइम जी का प्राइस की अगर बात किया जाए तो मार्केट में आप लोगों को 450 से 500 रुपये के अंदर मिल जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है रेट के ऊपर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से, बट लगभग 450 से 500 रुपये के अंदर आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों धनुका एग्रीटेक कंपनी का धनजाइम जी के बारे में पूरी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर कोई सुझाव या सवाल रहते हैं तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं।